एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है एक बड़ा पोस्ट इंटरेस्टिंग रिटायरमेंट? चीज़ बताता हूँ जी आपको। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी, जी सिकंदर भगत साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरद खुरद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं, मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा, ये आपने सोचा हुआ है। ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरी मेरे पास लिखे सिवाय कुछ मुझे पर कौशल ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप जिंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे वैल्यूबल चीज़ आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर, इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी क्या रही थी? अगर मैं वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा भाई मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी, इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है, आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए, मैं बहुत लंबा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है, ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया ये जो देश के काम आ रहा है।